अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस मुख्यालय इन दिनों प्रदेश भर में हिस्ट्री चीटर्स के खिलाफ अभियान चला रहा है। डीजीपी एमएल लाठर के निर्देशों के बाद चलाया जा रहा यह अभियान काफी हद तक सफल भी रहा है। इससे से जुड़ी ये देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस के लिए संगठित अपराध सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजस्थान पुलिस हिस्ट्री शीटर पर काबू करने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। डीजीपी खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर महीने अपराध समीक्षा बैठक में डीजीपी अभियान को लेकर अलग से सभी पुलिस अधीक्षकों और रेंज आईजी से बात करते हैं। हाल ही में डीजीपी ने सभी रेंज प्रभारी एडीजी को भी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक प्रदेश में कुल 1487 अपराधियों की नई हिस्ट्री शीट खोली गई। इसी समय अवधि में प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में हिस्ट्री शीटर्स को अलग अलग जिलों से पकड़ा गया। इस समय प्रदेश में कुल 10,998 हिस्ट्री शीटर है। प्रदेश में समय सबसे अधिक उदयपुर जिले में 662 हिस्ट्री शीटर है और उदयपुर पुलिस को इनकी तलाश है। जो एक्टिव हैं, युवा हैं, उन पे हमारा फोकस है और इनमें से हार्डकोर जो हैं विशेषकर, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है 18 तरह के जो श्रेणी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम में बनाई हुई है, तो हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, हार्डकोर और हिस्ट्री शीट, इनमें क्या कॉमनैलिटी है, क्या इनमें आपस में कॉमन कौन कौन लोग हैं, उनके पीछे हम लोग अच्छी तरह से उनका पीछा करेंगे और लिस्टिंग करें ऐसे अपराधियों की, ताकि आम जन सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्डकोर अगर कोई व्यक्ति है और आम जन उसके बारे में वो करता है, तो वो वास्तव में एक हार्डकोर व्यक्ति है जिस पे पुलिस को कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा का कहना है कि पुलिस मुख्यालय की कोशिश है कि अधिक से अधिक अपराधियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाए, जिससे प्रदेश में होने वाले अपराधों की संख्या में कमी आ सके। 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2022 तक पुलिस ने 784 हिस्ट्री शीटर को वारंट में गिरफ्तार किया। इस अवधि में पुलिस ने तफ्तीश से जुड़े प्रकरणों में 2412 हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा है। अब पुलिस मुख्यालय का फोकस है कि अब बचे हुए हिस्ट्री शीटर्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे प्रदेश में संगठित अपराधों में कमी आ सके। कानूनन हम जो भी हमारे पास हथियार हैं, कानून हथियार, उनको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका उनकी लिस्टिंग करें, प्रिवेंटिव सेक्शंस करें, कोई वांटेड है किसी मुकदमे में उसमें अरेस्ट करें, कोई फरार है उसको, फरारी काट रहा है कहीं उसको अरेस्ट करें, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पुलिस के पास वो सारा हम कोशिश करेंगे कि उन पर अंकुश लगे। प्रदेश में जिलों के हिसाब से हिस्ट्री शीटर्स की बात करें तो इस समय उदयपुर में सबसे अधिक 662 हिस्ट्री शीटर हैं, अजमेर में अभी 568 हिस्ट्री शीटर हैं, बीकानेर में 443, नागौर में 442, बाड़मेर में 435, चित्तौड़गढ़ में 418 हिस्ट्री शीटर हैं, श्रीगंगानगर में 385 हिस्ट्री शीटर हैं, पाली में 369 हिस्ट्री शीटर, कोटा सिटी में 367 हिस्ट्री शीटर, जयपुर उत्तर में 354 हिस्ट्री शीटर और भरतपुर में 342 हिस्ट्री शीटर सक्रिय हैं। पुलिस मुख्यालय के लगातार अभियान से प्रदेश भर के हिस्ट्री शीटरों में खलबली मची हुई है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब लगातार पुलिस मुख्यालय हिस्ट्री शीटरों पर कार्रवाई कर रहा है। डीजीपी एमएल लाठर का भी फोकस यही है कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्त में लिया जा सके, जिससे प्रदेश में संगठित अपराधों में कमी आ सके। कैमरामैन गिरीश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।